सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं लेकर हाजिर हुआ एक नई फ्री फायर का। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं आप लोग को चार ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो 80% लोग नहीं जानते। और भाई, अगर आप भाई पक्का फ्री फायर लवर होते हो तो भाई आपको ये जो चार फैक्ट्स है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं बहुत लोगों को क्वेश्चन किया तो वो लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ इसका आंसर। तो उस ये वाला वीडियो देखने के बाद आई थिंक आप लोग को ये वाला क्वेश्चन कोई करेगा तो आप नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता है, तो आप एकदम स्वैग से आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। और भाई, अगर आप फ्री फायर लवर हो तो आपको जानना भी चाहिए फ्री फायर के बारे में बहुत सारा चीज़ें जो फ्री फायर रिलेटेड है। तो चलो अब बिना किसी लॉस में आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे आप तो यार, वीडियो सुनने से पहले की बात करना है तो इस वीडियो को लाइक मार दो, नीचे एक कमेंट मार देना, इस वीडियो को शेयर शेयर कर देना और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे। सो ही जो मैंने कहा कि आज मैं आपको चार ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो सुन के आप लोग पागल हो जाओगे और भाई ये फैक्ट्स 80% लोग नहीं जानता है। तो चलो यार, फैक्ट नंबर 1 देखते। और ओटेरा रियल लाइफ पे एक पेड़ है, ठीक है। तो ओटेरा है एक मैमथ जिसका उसका टाइप है मैमथ, ठीक है। और ये है एक सी ओटेरा, इसको सी ओटेरा बोला जाता है, ठीक है। ये पानी में रहता है, ये जो एनिमल है ये पानी में रहता है और इसका जो टाइप है ये मैमथ का टाइप है। और ये 2 से 6 फीट लंबा होता है, ठीक है। और 10 to 75 पाउंड इसका वेट होता है, ठीक है। और ये एक सी ओटेरा होता है, आप लोग सर्च कर लेना कहीं पे तो आप लोग को दिख जाएगा सी ओटेरा, ठीक है। तो जो ओटेरा हम लोग का कैरेक्टर है ये रियल लाइफ में जो है ये है सी ओटेरा एक, ठीक है। तो अभी चलते हैं 2 नंबर फैक्ट की तरफ। सो सेकेंड फैक्ट ये है कि फ्री फायर असलियत पे कहाँ बना है। तो भाई बहुत लोग का दिमाग पे सवाल है कि फ्री फायर असलियत पे कहाँ बना है, बहुत लोग को पता नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज है। तो भाई बेसिकली फ्री फायर बना है साउथ ईस्ट एशियंस कंट्री में और इसका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है ताइवान में, और ताइवान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपना फ्री फायर। बहुत मतलब कंट्रीज पे भी ये है पॉपुलर है, बट ताइवान इसका मेन प्लेटफॉर्म है और इधर बहुत ये पॉपुलर है, ठीक है। और जो अपना इंडिया का हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर। अगर किसी को कुछ बोलना है या किसी के साथ लड़ाई करना है तो सिंगापुर जा सकते हो, ठीक है। तो अब भी चलते हम लोग 3rd फैक्ट पे। कहाँ पे है और किसके ऊपर नाम है इसका भीमा शक्ति का, ठीक है। तो पहली बात तो भीमा शक्ति कोई कंट्री कोई सिटी का नाम नहीं है, भीमा शक्ति एक गैलेक्सी का पार्ट का नाम है, ठीक है। गैलेक्सी में एक मिल्की वे अंदर एक गैलेक्सी है जिसका मतलब छोटा सा गैलेक्सी बहुत बड़ा है, उसका पार्ट्स होता है सभी को पता ही होगा। तो उसका एक पार्ट का नाम है भीमा शक्ति। तो आप लोग देख लीजिए उसका फ़ोटो, ये फ़ोटो है भीमा शक्ति का। तो ये असलियत पे भीमा शक्ति है और इसके ऊपर ही नाम रखा गया है भीमा शक्ति। तो कोई मत सोचना कि भीमा शक्ति रियलिटी मतलब रियलिटी पे कोई भीमा शक्ति है जिसमें ऐसा घर वार है कुछ है और कोई सिटी वगैरह है ये भीमा शक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं है। भीमा शक्ति स्काई बोलो यार, गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग का 4th फैक्ट, अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो जो अपना उल्फा कैरेक्टर है इसका जो आप सभी को पता होगा जो इसका एबिलिटी है वो है इसका जितना ज़्यादा व्यू रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लोग आप लोग देखेगा आपको उतना उसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो भाई उल्फा कैरेक्टर में ऐसा एक चीज़ है जो आप लोग अगर किसी को मारते हो उसका जो एक्सपेक्टर है स्पेक्टर वो आप पे रह जाता है, वो जाता नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरा फोटो देखिए, मैं जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैंने बोया कर लिया और मेरे को 35 बंदा देख रहा है और मैं उल्फा कैरेक्टर लेके खेल रहा था तब, ठीक है। तो उल्फा कैरेक्टर का ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, अगर कोई बंदा असलियत पे वो अगर नहीं देखता एग्जिट कर देता गेम फिर भी उसका स्पेक्टर आप पे बना रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है उल्फा कैरेक्टर, जो लोग यूज़ करने वाले हो और यूज़ कर रहे हो। तो ये था आज का 4 फैक्ट। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा फैक्ट्स। तो उसके बाद में अगर आप लोग बोलते हो तो मैं ज़रूर इसका 2nd, 3rd, 4th, 5th इसका एक सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। तो जो भी हो आज की वीडियो, ठीक है, चलती है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।